चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। नब्बे के दशक में आमिर खान और अजय देवगन ने डायरेक्टर इंद्र कुमार की फिल्म इश्क में एक साथ नजर आए थे। फिल्म में आमिर खान और अजय देवगन की जिगरी दोस्ती ने खूब बाहबाही बटोरी, लेकिन उसके बाद आमिर खान और अजय देवगन किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। हालांकि अजय आमिर के सबसे अच्छे दोस्त सलमान खान के साथ हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज अजय देवगन अपने फैंस के साथ ट्विटर सेशन पर रूबरू हुए, जहां पर एक दर्शक ने उन्होंने आमिर खान के साथ काम करने के बारे में पूछा तो बादशाह अजय ने एक ही झटके में कहा, क्यों नहीं, मैं उनके साथ काम जरूर करूंगा, मौका मिलेगा तो हम जरूर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अजय देवगन ने अपने दर्शकों को बताया था कि उन्हें मल्टी स्टार फिल्म में काम करने से कोई हर्ज नहीं है। तो क्या इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अजय देवगन और आमिर खान एक साथ इसके सीक्वल में नजर आ सकते हैं? वैसे आमिर खान और आपको एक साथ किसी फिल्म में देखे अरसा हो गया है। बात करें अजय देवगन की तो वो इस महीने अपनी फिल्म बादशाहों के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रहे हैं, लेकिन अगले महीने अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन के साथ आमिर खान की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि आमिर खान इस फिल्म में एक कैमियो में है, लेकिन मिस्टर परफेक्शन भले ही गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्म के प्रमोशन में दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे में क्या अजय देवगन इस टक्कर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं?